का भारत इस वक्त मौजूद हो चुके हैं पटेल चौक पर, और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो हर जगह जगह पर आपको आज के दिन तिरंगे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये आप देख रहे हैं सिविल डिफेंस की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है आज 15 अगस्त पर, और हर जगह जगह पर रैली यात्रा निकाली जा रही है आज, और हर बरेली में हर कोने कोने में आपको ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर पटेल चौक पर मौजूद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से इस रैली का आयोजन किया गया है, और ये डीएम ऑफिस पर से निकाली गई थी ये रैली, डीएम ऑफिस से शुरू की गई थी, अब ये पटेल चौक पर आ चुकी है, और पटेल चौक से आगे भी ये इसी तरीके से लगातार बढ़ते रहेंगे। और आप देख सकते हैं सभी के हाथों में आज तिरंगे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से जोर शोर से इस साल त्यूब में जो अमृत महोत्सव मनाया गया था। आइए हमारे साथ सर मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आज के दिन। जी सर, मैं अजय राज शर्मा सिविल डिफेंस से, ये पूरी टीम अपने जोश खरोश के साथ जो मोहल्ले में काम करती थी, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लग रहा है कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज़ादी जब 47 में मिली थी बिल्कुल वही माहौल है, और हम सब पूरा भारत मिलकर इसको मना रहा है, गाँव शहर मोहल्ला सभी जगह तिरंगा जिंदाबाद हो रहा है, भारत माता जिंदाबाद हो रहा है, और ये उल्लास का वो है। तो आपका धन्यवाद है कि आप जन जन तक इस तिरंगे को पहुंचा रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो हमने सर से बात की है, जिस तरीके से उन्होंने बताया है आज़ादी के महोत्सव को लेकर, और भी लोग हैं हम उनसे भी बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनीता गुप्ता है और मैं राष्ट्रीय हिंदू युवा संगठन से हूँ। जी मैम, आज के दिन क्या कहना चाहेंगी जो जोर शोर से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? 75वां मना रहे हैं आज, जो हम यहाँ पर खड़े हैं कितने क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदान दिया, तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। बस लोगों से यही अपील है, झंडे को झुकने ना दें बिल्कुल भी, अपने छत में अपने घर में अगले साल तक सही सलामत रखें। जय हिंद जय भारत। कैद में परिंदे अच्छे नहीं लगते, परवाज हो तो उड़ान देखिए। मैं सभी भारतवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगी, पूरी मातृशक्ति की तरफ से हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं अपने, और आप सभी को देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, सब शक्तिमान बने, आत्मस्वावलंबी बने, स्वदेशी अपनाए, भारत को मजबूत बनाए, और इस अमृत महोत्सव का घूंट घूंट करके पिए, आनंद ही आनंद। पहले तो मैं देश को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारा देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और विश्व में नंबर वन रहे। मेरा नाम अरविंद कुमार शर्मा। सर, आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मेरे देशवासियों को यही संदेश है कि सब लोग सद्भाव से रहें और देश को तरक्की की राह पर और आगे ले जाएं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है, और हम आज के दिन अपने सारे अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, अशोक गिरी। बस यही है हम लोग की 75 जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें यही देशवासियों के लिए शुभकामनाएं हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, देश हित में कार्य करें, कोई गलत एक्टिविटी में ना पड़े, आगे अपने तरक्की करें और उसमें योगदान दें। सभी देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देश के 75 गणतंत्र दिवस की, और जय हिंद जय भारत। मेरा नाम गर्वित कपूर है। इस बार जो एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, क्या कहना चाहेंगे? बस सब सबको शुभकामनाएं, और सब लोग मिलजुल कर रहे हैं आपस में।